में बंधक बने कवर्धा के दो मजदूरों की सकुशल घर वापसी हो गई है। दोनों मजदूर रोजी रोटी की तलाश में कर्नाटक गए थे, वहां बंधक बनाकर मजदूरी उनसे करवाई जा रही थी, साथ ही प्रताड़ित किया गया था। जैसी खबर लगी तो परिजनों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मदद की गुहार लगाई। विजय शर्मा ने जिला प्रशासन को सीधे निर्देश दिए कि मदद की जाए। जिला पुलिस की टीम दोनों की रिहाई के लिए कर्नाटक गई, उनका सकुशल रेस्क्यू किया गया और घर लौटने के बाद दोनों मजदूर काफी खुश। बाकी विकासखंड बुड़ला के दो युवक शशिकांत यादव और गंगा प्रसाद परस्ते, जो कि कमाने खाने कर्नाटक जिला धारवाड़ के ग्राम कलघट्टी गए थे, वहां उन्हें बलपूर्वक कार्य लिया जा रहा था, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष किया गया। कलेक्टर महोदय द्वारा श्रम विभाग को आदेशित करते हुए तत्काल टीम गठित कर श्रमिकों को लाने हेतु आदेशित किया गया और वहां जाकर दोनों श्रमिकों को अपनी अभिरक्षा में सहायक श्रमिक कार्यालय हुबली से लिया गया और उनकी पारिश्रमिक की राशि दिलाई गई। तदुपरांत आज दिनांक 12/1/2024 को सायं 8 बजे सकुशल श्रमिकों के साथ टीम की वापसी हुई। और अब जिक्र करेंगे बलौदाबाजार का, जहां यातायात डीएसपी ने शायरी वाले नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्शन लिया, उन वाहनों को चिन्हांकित किया गया। कुल 150 वाहनों पर कार्रवाई हुई है। वाहनों की नंबर प्लेट आप देखिए, डिजाइन में नंबर लिखे हुए थे और कुछ ऐसी भी गाड़ियां मिली जिन पर नंबर प्लेट ही नहीं थे। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए विशेष अभियान चलाया, जुर्माना वसूला गया। वाहनों में चाहे टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, उसमें नंबर प्लेट लिखना अनिवार्य। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो लोग नहीं लिखे रहते थे या जो मापदंड है उसके हिसाब से नहीं लिखे रहते थे, उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई किया गया है, विशेष अभियान भी चलाए गए हैं। चूँकि पुनः आपके द्वारा इस चीज़ को संज्ञान में लाया गया है, इसके संबंध में ट्रैफिक के माध्यम से और सभी इधारों के माध्यम से ऐसे वाहनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और नंबर प्लेट को सुधरवाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के लिए अगली खबर बेहद खास। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को बड़ी कामयाबी मिली है। मेडिकल कॉलेज को ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रायल के लिए चयनित किया गया है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं, खेती, यातायात जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर जोर लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में देश के 650 मेडिकल कॉलेजों में से 25 मेडिकल कॉलेज चयनित किए गए और उसमें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भी एक है। ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। ड्रोन चलाने के लिए विशेषकर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्रोन दीदी प्रशिक्षण के बाद इन ड्रोन उड़ाएंगी और उसके साथ ही बेहतर बनाने का जो प्रयास है स्वास्थ्य सेवाओं को, वो रंग लाता हुआ नजर आए। तो उसके ड्रोन सिस्टम के लिए हम लोग सिलेक्ट हुआ है। उस सिस्टम से हम लोग जो लैब की जो जांचें हैं, सैंपलिंग का है, लैब का है, ड्रग्स का है, डायग्नोस्टिक की जो सैंपलिंग है वो भेजने के लिए टर्सी हेल्थ केयर में भेजने के लिए हम लोग सिलेक्ट हुआ है। इससे इसके लिए हम लोगों को जो है वहाँ से गाइडलाइन के अनुसार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में दो लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, वह दिल्ली के लिए माने 5 दिवसीय ट्रेनिंग होगी। वहाँ कंडक्ट होने के बाद फिर यहाँ चालू काम होगा। ड्रोन अभी वर्तमान समय में उसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम जैसे छिड़काव हैं या कीटनाशक हैं या दूसरे अन्य उसके वैज्ञानिक उपयोग किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने आपदा विपदा की स्थिति में, यातायात अवरुद्ध होने की स्थिति में सैंपल या मरीजों की जांच संबंधी कार्य प्रभावित ना हो, उसकी तैयारी के स्वरूप में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग हेल्थ केयर सिस्टम में या चिकित्सा सेवा प्रदान में करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत आज वर्तमान में संचालित देश भर में जो 650 मेडिकल कॉलेज हैं, सारे एम्स और राज्य मेडिकल कॉलेज मिलाकर, उसमें से 25 कॉलेज का चयन इस विधा हेतु, इस प्रयोग हेतु, पायलट प्रोजेक्ट हेतु किया है। और मुझे गर्व है या आपके साथ शेयर करते हुए बताते हुए, इन 25 मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का जो एक राज्य में हमारा भी एक नाम है। और अब जिक्र करेंगे खंडवा जिले का, जहां प्रशासन का बुलडोजर फिर से दौड़ा है। मोटक्का में अतिक्रमण हटाया गया, हाईवे ओंकारेश्वर तक अतिक्रमण को हटाया गया है भारी पुलिस बल की तैनाती और उसी के साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से एक्शन आप देख रहे हैं। खंडवा का ये पूरा क्रम जिसमें बुलडोजर एक बार फिर से प्रशासनिक अमले सहित पहुंचता है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पुलिस बल की मौजूदगी बड़ी संख्या में जिससे हंगामे की स्थिति ना बने। मोटक्का में अतिक्रमण हटाया गया, तस्वीरें आप देखिए, विरोध का जरूर सामना करना पड़ा लेकिन प्रशासनिक अमला
बड़े स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचा था। पुलिस की समझाइश के बाद लोगों को शांत कराया गया और ये बताया गया कि अतिक्रमण मुक्त करना है इस जमीन को। और सिवनी में भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चल गया है। भैरवगंज क्षेत्र में सरकारी जमीन पर पक्की दुकान बनाई गई थी, 8 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई हुई है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने राजस्व अमले और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन चलाई, अतिक्रमण को हटाया। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। इंडी गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, वर्चुअल बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है। नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे, प्रस्ताव को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। कांग्रेस के संयोजक के पक्ष में नीतीश कुमार, लेकिन खुद ये पद नहीं संभालने वाले हैं। इंडी गठबंधन की बैठक चल रही थी, वर्चुअल बैठक खत्म हुई है। संयोजक के तौर पर किसी और व्यक्ति का चयन होना चाहिए उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन खुद संयोजक की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे नीतीश कुमार। वर्चुअल बैठक में इस बात को स्पष्ट किया, अलग अलग नेता अलग अलग दलों के इस बैठक में जुड़े। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी अशरफ के पास। अशरफ, सीधे इनकार नीतीश कुमार का, क्या वजह इसके पीछे? बिल्कुल, आज उन्होंने इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हो रही थी तो उसमें साफ इनकार कर दिया गया कि मैं संयोजक नहीं बनूंगा। हालांकि उनका प्रस्ताव रखा गया, उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सलाह दी कि कांग्रेस की तरफ से किसी को संयोजक बनाया जाए। कांग्रेस एक विपक्ष में सबसे बड़ा दल है तो संयोजक की जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए थी। अब नीतीश कुमार ने क्यों संयोजक पद का अस्वीकार किया है, इसको लेके भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो विपक्षी दल हैं बिहार के, वो लोग पहले ही इस बात को कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार को अपने ही दल में नहीं कोई सुनता तो गठबंधन में कौन उनकी सुनेगा, इंडिया गठबंधन के अलायंस में नहीं, तो सवाल अब कई उठ रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ा सा सवाल जो इंडिया गठबंधन के सामने है कि वो क्या बिना संयोजक के ही रहेंगे या संयोजक बनाएंगे, और बनाएंगे तो किसको जिम्मेदारी दी जाए जो सभी दलों को एक साथ लेकर चले और लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को मजबूती से टक्कर दे। लेकिन अब इस असमंजस में जो स्थिति आ गई है विपक्षी इंडिया अलायंस की, तो वो काफी ऐसा ही लग रहा है असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं। कौन जिम्मेदारी संभालेगा इसको लेकर अभी तय नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नीतीश कुमार के संयोजक का पद का अस्वीकार करने से इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ी समस्या जरूर आएगी, क्योंकि सभी को एक समन्वय के साथ लेकर चलना था लोकसभा चुनाव में। हर दल, क्योंकि एक बात रखी गई थी कि जिस दल जो राज्य में मजबूत है वो उसको आगे लेके चले, तो ऐसे में सभी दलों को साथ समन्वय बनाना और उसमें कांग्रेस को भी साथ लेके आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि करीब करीब कांग्रेस हर राज्य में है, लेकिन हाँ कई राज्यों में वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। कुछ राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो RJD हो या समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तो वो मजबूत हैं, तो ऐसे में उन लोगों को साथ रखना अपना एक बड़ी चुनौती है। बिना संयोजक के ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा और इंडिया गठबंधन इस चुनौती से कैसे पार पाएगा इसके लिए सबको इंतजार है, और थोड़ा और इन सवालों का जवाब भी इंडिया अलायंस को ही देना पड़ेगा। और फिर सोचिए सीट शेयरिंग में कितनी परेशानी आने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल तो सीधे तौर पर संयोजक का पद ठुकरा दिया नीतीश कुमार ने।